नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजन एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबों के साथ अप्लाइड वेटरनरी मेडिसिन के टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। आज के एनिमल डिजीज़ का टॉपिक है एनाप्लाज्मोसिस ए बोवाइन डिजीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एटियोलॉजी: एनाप्लाज्मा मार्जिनल कैटल के साथ साथ वाइल्ड रिमिनेंट्स में डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा कैटल्स में एनाप्लाज्मा फेगोसाइटोफिलम, एनाप्लाज्मा सेंट्रल, ये माइल्ड एनाप्लाज्मोसिस कॉज करता है। सीप एंड गोट में एनाप्लाज्मा ओविस डिजीज़ कॉज करता है। एपिडेमियोलॉजी: ये डिजीज़ सब ट्रॉपिकल रीजन्स के साथ साथ ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है और स्पोरेडिक इन टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है। मैकेनिकली डिजीज़ ट्रांसमिट जो होता है वो वेक्टर्स के द्वारा होता है, जिसमें मुख्य रूप से टिक्स इन्वॉल्व है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इन कैटल मुख्य रूप से एनीमिया, जॉन्डिस, इमेसिएशन, सेवियर डिएबिलिटी एंड डेथ का कंडीशन मिलता है। सब क्लिनिकल कंडीशन मुख्य रूप से सीप एंड गोट में पाया जाता है। इनक्यूबेशन पीरियड 1 to 5 weeks और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस डिजीज़ जो है सब एक्यूट पाया जाता है, खास करके यंग एनिमल्स में। बोवाइन के केस में रेक्टल टेम्परेचर 105 डिग्री फारेनहाइट तक जा सकता है और ये लंबे समय तक टेम्परेचर बना रहता है। एनोरेक्सिया कभी भी कंप्लीट रूप से नहीं रहता है। लंबे समय तक फीवर और इमेसिएशन के कारण एनिमल डेथ हो सकता है। फर्टिलिटी इसमें इम्पेयर्ड रहता है। एक्यूट स्टेज पास होने के बाद उसमें जॉन्डिस का कंडीशन दिखाई पड़ता है। हेमोग्लोबिनुरिया इसमें एब्सेंट रहता है। एडल्ट काउज में पर एक्यूट केस में क्लिनिकल फाइंडिंग्स के रूप में हाई फीवर, एनीमिया, इक्टेरस, सेवियर डिस्पनिया और 24 आवर्स के अंदर डेथ हो जाता है। हाइपर एक्साइटेबल कंडीशन जो है जस्ट बिफोर डेथ दिखाई पड़ता है और अटेंडेंट पर अटैकिंग टेंडेंसी भी रहता है। प्रेग्नेंट काउज में जनरली एबॉर्शन दिखा जाता है। बुल्स के केस में कन्वलसेंट मिलता है और डिप्रेस्ड टेस्टिकुलर हो जाता है, जिस कारण से एस्टरलिटी अफेक्टेड होता है कई महीनों तक। क्लिनिकल पैथोलॉजी इंक्लूड्स एनीमिया, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रेड सेल्स बाय माइक्रोस्कोपी और फ्लोरोसेंट स्टेन्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस एंड सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। नेक्रोप्सी फाइंडिंग्स इंक्लूड्स द पोस्टमार्टम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाप्लाज्मा स्पीसीज। इसको हम लोग ब्लड स्मियर स्टेन करके देख सकते हैं, खास करके जिम्सा स्टेन में, या फिर डायरेक्ट फ्लोरोसेंट स्टेन करके जो देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक कन्फर्मेशंस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ब्लड स्मियर में देख सकते हैं, पॉजिटिव सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके, PCR टेक्निक का यूज़ करके ये देख सकते हैं। ट्रीटमेंट: क्लिनिकल केस शुड बी ट्रीटेड विथ टेट्रासाइक्लिन, इमिडोकार्ब और इनोफ्लोक्सासिन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कैरियर स्टेट्स इज नॉट टोटली एलिमिनेटेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का डोज रेट यहाँ मेंशन किया गया है, 20 mg पर ग्रेजुएट सिंगल यूज। लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है इंट्रामस्कुलर रूट में। साथ में एस्ट्राडायोल साइपियोनेट का एप्लीकेशन काफ़ी इफेक्टिव है। इसका डोज रेट है 14.3 mg पर कजीबरवेट IM रूट के साथ। ट्रीटमेंट विथ इमिडोकार्ब इज इफेक्टिव। इसका डोज रेट है 5 mg पर कजीबरवेट और इसको रिपीट कर सकते हैं 7 days के इंटरवल पर। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में सस्पेक्टेड कार्सिनोजन होने के कारण ये ड्रग यूज में नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनाप्लाज्मोसिस इज इनोफ्लोक्सासिन। इसका डोज रेट है 12.5 mg पर कजीबरवेट और सबकट रूप में काफ़ी इफेक्टिव है। 48 आवर्स के इंटरवल पर इसको यूज कर सकते हैं और इसके लॉन्ग टर्म ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। कंट्रोल: टेट्रासाइक्लिन का यूज प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेक्शन के लिए और टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन के लिए, खास करके आउटब्रेक के समय में बहुत ही इफेक्टिव है। डिजीज आउटब्रेक के टाइम में कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन का यूज किया सकता है जहां उपलब्ध हो, खास करके एनाप्लाज्मा मार्जिनल और एनाप्लाज्मा सेंट्रल के लाइव वैक्सीन्स जो है जहां उपलब्ध है वहां इसका यूज किया सकता है। नॉन एंडेमिक एरियाज में कंट्रोल के लिए सेरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन कैरियर्स का किया सकता है और कलिंग या फिर ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। पशु चिकित्सक विशेष और गहरी जानकारी के लिए दिए गए रेफरेंसेस का उपयोग कर सकते हैं। फील्ड कंडीशन में एनाप्लाज्मोसिस के साथ साथ अन्य डिजीज भी मिक्स्ड इन्फेक्शन के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से
फलेरिया, बेबेशिया और ट्रिपनजोमियोसिस है, जो अन्य हीमोप्रोटोजोअल डिजीज के साथ पाया जा सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें मुख्य रूप से ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन बहुत ही हेल्पफुल होता है। पशुपालकों के लिए विशेष सुझाव, पशुओं में बुखार आने पर उसे नज़रअंदाज न करें, नज़दीकी पशु चिकित्सक से अवश्य सलाह करें। एक बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।